8 से 10 बार ट्रिपिंग होती है। एक बार जब ट्रिपिंग होती है हमारे इक्विपमेंट को बहुत डैमेज होता है, और अगर पावर आने के बाद फिर कम से कम आधे घंटे समय लगता है प्रोडक्शन स्टार्ट करने में। जो पूरा माल प्रोसेस के अंदर है वो पूरा स्क्रैप हो जाता है, और अगर हम जनरेटर पे चलाते तो हमारी लागत 3 गुनी हो जाती है। कोई आज के कंपटीशन के समय में किसी भी इंडस्ट्री के लिए सर्वाइव करना संभव नहीं है। हमारा प्रोडक्शन ऑलरेडी 20-25% कम हो चुका है, नए ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं क्योंकि हम पुराने ऑर्डर समय पे नहीं दे रहे हैं, और पुराने ऑर्डर की लागत मतलब हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते जा रहे हैं। ये पिछले 20 साल से हम बार बार सुनते आ रहे हैं कि व्यवस्था बदल जाएंगी, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती है, महकमा बदल जाता है, लेकिन हम जहाँ थे वहीं रह जाते हैं। जीरो पावर कट का एक लिस्ट है मेरे पास, पिछले 20 साल में कितने चेयरमैन कितने मंत्री ने कब कब क्या क्या स्टेटमेंट दिया है, बट वो आज तक अमल में नहीं हो पाया। करोड़ों के खर्च हो जाते हैं, नए नए प्रोजेक्ट हो जाते हैं, सब हो जाते हैं, उसका बेनिफिट क्या मिला और क्या मिलना था इसकी एनालिसिस करने वाला कोई नहीं। अभी सारा व्यवस्था लगा हुआ है कि भाई राज्य में रोजगार बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, लेकिन जब हमारा आधार ही कमज़ोर है तो उसको सुधारे बिना हम अपेक्षा करें तो उससे कैसे संभव। लोग बाहर के लोगों को इनवाइट करने के लिए तत्परता दिखाते हैं, बट यहाँ की इंडस्ट्री यहाँ छोड़ के जा रही है, इसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता। और एकमात्र प्रॉब्लम है बिजली, बिजली हमारा रॉ मटेरियल है। हम बिना एक तो मान लीजिए बगल में जो कंपटीटर है उससे 20-25% महंगी बिजली खरीद रहे हैं, उसके बाद उसका कोई भरोसा नहीं है, तो हमारा सर्वाइवल कैसे संभव है। हम अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, और हम अगर हम ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे पीछे जो 100-200 परिवार का रोजगार चल रहा है उनका क्या होगा, वो भी सरकार के ऊपर सोचना पड़ेगा। 10 घंटे से लेकर के 4 घंटे का ये अनुपात के अंदर में डेली कुछ ना कुछ ऐसे लाइट की स्थितियाँ ख़राब हो रही हैं। आज हम लोग जो यहाँ बैठे हैं और आप लोगों का जो सहयोग मांग रहे हैं, इसका मुख्य कारण यही है कि अब हम लोग उद्योग चलाने में अपने आप को बहुत असक्षम महसूस कर रहे हैं। और ये कहने में कहीं भी कोई हम लोग को गुरेज नहीं है कि वर्तमान में जो व्यवस्थाएं, जो अधिकारी जो बैठे हुए हैं वो इतने असक्षम हो गए हैं, और वो इतने मैं क्या बोलूँगा, इतने नकारात्मक उनका व्यवहार हो गया है हम उद्योगों के प्रति, कि इन लोगों को हमारे से कोई क्या बोलूँगा, कोई मदद करने की मनसा ही इनकी नहीं है। अभी जैसे कुछ दिन पहले आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को मालूम चला कि एक पूरे रात हमारे यहाँ लाइट नहीं रही, कारण कि एक पेमेंट नहीं हो पाया कि ऐप के थ्रू पेमेंट होना था। अगर ये छोटी छोटी सी चीज़ें जब हम अपने को पेमेंट करते हैं, जब चीज़ें सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या ये अधिकारी जो बैठे, जो एसी के चैम्बरों में बैठे हुए हैं, जो इतने लाखों के लाखों में तनख्वाह ले रहे हैं, क्या उनका ये दायित्व नहीं बनता है कि एक एक चीज़ों को नोट करें और प्री प्लानिंग करके व्यवस्था करें। आज गर्मी आना है, सारी व्यवस्थाएं होनी है, सबको मालूम है कि गर्मी आएगी, लोड बढ़ेगा, सारी व्यवस्थाएं होंगी। तो और जबकि हम लोग का ये भी मानना है कि सीएम ने इस चीज़ को एम्फेसाइज़ इस चीज़ को समझते हुए पहले ही इंस्ट्रक्शन दिया कि गर्मी आ रही है, आप तैयार हो जाइए, उसके बाद भी महकमा को कोई मतलब नहीं है। एक व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है जिसके अंदर हम लोग करते हैं, एक हमारा हमारे एक उद्योगपति हैं मनोज जी, क्या सरोपम उनकी फैक्ट्री है सपोरम में, तो वहाँ पर उनका है, वो मैसेज उस पर डालते हैं, वहाँ से सामने से रिप्लाई आता है, वहाँ पर वो कुछ गड़बड़ हो गई, वहाँ वो गड़बड़, हमारा काम नहीं है आपकी गड़बड़ को देखना, आपकी गड़बड़ को आप सुधारिए, और दोबारा वह गड़बड़ नहीं उसकी व्यवस्था आपको देना है। हम आपके एक्सक्यूज़ के लिए नहीं बैठे हैं। अगर हमारा प्लांट नहीं चलता और हमें पेमेंट करना पड़ता है सरकार को, तो हमारे पास ये एक्सक्यूज़ नहीं होता कि अब 4 दिन बाद पेमेंट करेंगे, अपना लाइन मत काटिएगा, 3 महीने पेमेंट नहीं हुआ लाइन कट जाएगा, उस समय उनके पास कोई मुरव्वत और हमारे लिए सोच नहीं है। तो ये उनका दायित्व है, अगर वो ये सोच रहे हैं कि वो एक सरकारी व्यवस्था के अंदर में चल रहे हैं और उनका इसी ढंग से चलता रहेगा, तो अब इस जिस आर्थिक युग में हम लोग चल रहे हैं ऐसी व्यवस्थाएं नहीं चल सकती हैं। और हमारा हमारे मुख्यमंत्री से एकदम सविनय निवेदन है कि कृपया करके जो उन्होंने पहले भी मनसा जाहिर की है कि इसको प्रोफेशनल हैंड्स में देने पड़ेंगे, उसका प्राइवेट हैंड और प्रोफेशनल हैंड्स में देने पड़ेंगे, उनको देने की एकदम आवश्यकता है। इन लोगों के भरोसे जो, क्योंकि वो उद्योग विभाग के भी मंत्री वही हैं और बिजली विभाग के भी मंत्री वही हैं, उनको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि सारी जिम्मेवारी अंत उनके ऊपर आएगी और वो अपने अधिकारियों के कारण उनकी छवि खराब होगी। तो आप लोगों से निवेदन, इसको शिफ्ट करने की चल रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, परसों मेरी जमशेदपुर में बात हो रही थी, जो एरिया जुस्को के अंडर में नहीं आता है वो बहुत बुरी हालत के अंदर पे हैं, और लगभग 8 से 10 इंडस्ट्रीज उड़ीसा जा रही हैं।
उड़ीसा की गवर्नमेंट इतनी प्रोएक्टिव हो गई है कि वो अपने यहाँ से इंडस्ट्रीज़ को उठा करके उड़ीसा ले जाने के लिए लोग बैठे हुए हैं, और कम से कम 4 से 5 इंडस्ट्रीज़ का MOU ऑलरेडी हो चुके हैं जो शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये लॉस हमारा है, ये सरकार को सोचना चाहिए, सरकार के अधिकारियों को सोचना चाहिए, और हम जैसे JCI, जैसे हमारी इंडस्ट्री एसोसिएशन के हमारी जो यहाँ पर संस्थाएँ हैं, हम लोग इसको बार बार परस्यू कर रहे हैं कि चीज़ों को देखिए, इससे राजस्व की हानि हो रही है, रोजगार के अंदर में रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को, जो कि सरकार का मेन दायित्व है देने का। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे CM हेमंत जी जब इस चीज़ को एहसास कर पा रहे हैं, तो इन अधिकारियों का एहसास नहीं कर पाने का रीज़न समझ में नहीं आया। क्या इनके पास में दिमाग और सोच की कोई लिमिटेशन तो है नहीं? सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सारे अच्छे से अच्छी डिग्री पाए हुए हैं, तो इनको ये सोच नहीं पा रहे हैं क्या सारी चीज़ों को? तो आप लोगों से निवेदन है कि इनको हम लोग अच्छा ढंग से इसको दीजिए कि मतलब